भदोही में बड़ा हादसा, गंगा में डूबने से 3 युवक की मौत, एक की तलाश जारी, महिला ने 2 लोगों को डूबने से बचाया। भदोही के बेरोजपुर गंगा घाट पर रविवार सुबह कौलापुरी निवासी 5 युवक स्नान कर रहे थे, इस दौरान गहरे पानी में जाने से 4 युवक डूब गए, 3 का शव बरामद हो चुका है, एक की तलाश की जा रही है। भदोही के बेरोजपुर स्थित दर्जिया घाट पर रविवार की सुबह नहाने गए 4 युवक डूब गए, इनमें से 3 का शव करीब 4 घंटे के बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से बरामद कर लिया गया, जबकि एक की तलाश जारी है। वहीं पर स्नान कर रहे एक महिला व किशोर ने मिलकर 2 युवकों को डूबने से बचा लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई, डूबने वालों में एक ही परिवार के 3 युवक शामिल है। कौलापुरी गांव से करीब 3 किमी की दूरी पर स्थित गंगा नदी में नहाने के लिए रविवार की सुबह करीब 8 बजे कुछ युवक एक साथ दरिया घाट पर पहुंचे। गंगा में पहले सभी ने डुबकी लगाई, बाद में पानी से खेलना शुरू कर दिया। वही अंकित कुमार चतुर्वेदी 19 फुट, विद्याधर चौबे, प्रभात मिश्रा 24 फुट, त्रिपुरारी मिश्रा, प्रवेश मिश्रा 19 फुट, अवध बिहारी मिश्रा, लकी मिश्रा 15 फुट, ब्रज बिहारी मिश्रा खेलने में गहराई में चले गए। गौतमी देवी ने बताया कि पहले एक युवक डूबा तो उसे बचाने के लिए दूसरा गया, इस तरह से बचाने के चक्कर में 4 डूब गए। 5वें युवक आशीष और 6वें प्रकाश जब डूब रहे थे तभी नजर पड़ी, तब अपनी पोत्री शिवा, पुत्री नीरज की मदद से 2 साड़ी युवकों की तरफ फेंकी। जब दोनों ने साड़ी पकड़ी तो गौतमी और शिवा ने खींचकर दोनों को बाहर निकाला। थोड़ी ही देर में घटना की जानकारी गांव वालों को और पुलिस को हुई। पहले तो ग्रामीणों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन बाद में पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद ली, जहाँ 4 युवक डूबे थे वहाँ से 50 मीटर की परिधि में दोपहर करीब 12 बजे 1:30 बजे के बीच अंकित, प्रवेश और लक्की के शव को बरामद कर लिया गया। प्रभात की तलाश जारी है। जिलाधिकारी का आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार भी मौके पर पहुंचे। NDRF की टीम भी प्रभात को खोजने के लिए बुला ली गई। SP ने कहा कि डूबे युवकों में से 3 के शव को बरामद कर लिया गया है, एक की तलाश की जा रही है, टीम लगी हुई है।